खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, वो बलिया जनपद जो हमेशा से अपने बागी तेवर के लिए जाना पहचाना जाता रहा है। इसी बागी बलिया ने भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी को जन्म दिया, जिन्होंने आज़ादी की एक ऐसी ज्वाला जलाई कि देश को आज़ाद कराने के लिए हर देशवासी एकजुट हो गया। बलिया के इस बागी तेवर वाले क्रांतिकारी का नाम है मंगल पांडे, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। 22 साल की एज में इन्होंने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल होकर सेना में अपनी वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया। उनके साहस और अटूट इरादों ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। 1857 की शुरुआत में एनफील्ड P-53 राइफल के कारतूस, जो गाय और सूअर की चर्बी से बने थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के सैनिकों में गुस्सा, रोष और क्रोध पैदा कर दिया। मंगल पांडे ने ऐसे राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उन्होंने सार्जेंट मेजर जेम्स हेल्सन और लेफ्टिनेंट बग पर गोली चला दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया। भले ही मंगल पांडे ब्रिटिश अधिकारियों को मारने में असफल रहे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उनका ये बलिदान लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। मंगल पांडे विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। मंगल पांडे वीरता, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक हैं। मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी को उनकी बहादुरी और अमर बलिदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मंगल पांडे के पिता दिवाकर पांडे एक किसान थे और उनकी माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की थी। बचपन से ही वे बहुत वीर और साहसी थे। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का भी शौक था। 1849 में वह बंगाल सेना में भर्ती हुए और मार्च 1857 तक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 5वीं कंपनी में एक निजी सैनिक बन गए। भारत को ब्रिटिश अधिकारियों से आज़ाद करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। उस समय उन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी शासन ने अपने बटालियन को एनफील्ड राइफल दी थी, जिसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से छील कर खोलना पड़ता था। उस समय ये बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में मंगल पांडे ने उस राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने इस विद्रोह में अपने वरिष्ठ सार्जेंट मेजर जेम्स हेल्सन और लेफ्टिनेंट बाक पर गोली चलाई, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की इस बहादुरी और देशभक्ति की भावना पूरे देश में फैल गई और इसी से अन्य लोगों में भी स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। इसी के साथ मंगल पांडे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक भी बन गए। उन्होंने सभी भारतीयों को एकजुट होकर ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए प्रेरित किया। वीर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। उन्होंने 29 मार्च 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने और अपने वरिष्ठों सार्जेंट मेजर हेल्सन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाने के लिए दोषी ठहराया गया। जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया तो उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने खुशी खुशी फांसी के फंदे को मंजूर कर लिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान करने दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाने वाले वीर मंगल पांडे वीरता और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। वो एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी बहादुरी और बलिदान भारतवर्ष में हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी वीरता और बलिदान से भरी कहानी हमेशा लोगों को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। इन्होंने आर्मी के अंदर भर्ती हुए अंग्रेजों के शासन में ही इन्होंने इनकी पोस्टिंग हुई कलकत्ता बैरकपुर के अंदर में। कोई रेजिमेंट थी जिसका पूरा कागज पटना के अंदर दानापुर छावनी में है। ये दानापुर बैरकपुर कलकत्ता में जब पोस्टेड थे तो गाय की और सुअर की चर्बी जो पहले बंदूक और राइफल में लगती थी, इसी को लेकर के उनके दिमाग में बात आई कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम हो करके और ये अंग्रेज जो है ये बोलते हैं कि मुंह से उसमें गाय की चर्बी लगती थी जो कारतूस थे उसको निकालने के लिए, तो इन्होंने उसी को लेकर के
अपने अधिकारियों से कहा कि ये गलत है, ये हम लोग अपने मुंह से नहीं खींचेंगे। इसी पर अफसरों ने, अंग्रेजी अफसरों ने इन पर दबाव बनाया, तरह तरह के बात किए कि नहीं करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के मंगल पांडे के अंदर में एक ज्वाला बैठती गई और उन्होंने देश के लिए अभी कोई आज़ादी का सुखभुग नहीं था, कोई इसका बात नहीं चल रही थी। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में ये बिगुल फूका और परेड के दौरान उन्होंने अपने राइफल उठाया और अपने जनरल को, जितने वहाँ अधिकारी थे 3-4 को वहाँ पर मार दिए और वहीं से क्रांति की ज्वाला भड़की और पूरे देश में फैली। देखिए, मंगल पांडे का जो लड़ाई है वो भारत को आज़ाद कराने के लिए, और बीच में उनके बीच में गौ माता है, गाय और सुअर की चर्बी अंग्रेजों ने कर दिया कि भाई हम उसकी चर्बी से कारतूस खुलता था, उसको खींचने से, दांत से, इसका विरोध उन्होंने किया कि भाई गाय आप लोग काटते हैं, गाय का गाय आप नहीं काट सकते हैं, गौ हमारी माता है। और हिंदू धर्म और अपनी सनातन धर्म की स्मृति को लेकर के उन्होंने देश की आज़ादी करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के परिणाम आप जानते हैं, 1857 में 8 अप्रैल को उनको फांसी भी दे दी गई। मंगल पांडे जी बलिया जनपद के नगवा गांव के मूल निवासी थे, आज भी उनके परिवार के लोग नगवा गांव में मौजूद हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी सेना में बतौर सिपाही की हैसियत से रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया और पूरे भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरणा जगाई। 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह शुरू हुआ, जिसका परिणाम रहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। UP News 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।